सब्सक्राइब कीजिए अल्टीमेट हिंदी टिप्स यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हिंदी टिप्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि हम आप अपने एमआई फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करते हैं तो उसमें आपको 50% और 90% में जाके स्टकिंग एरर और कुड नॉट बी बाउंस का एरर आ रहा है, तो उस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मान लीजिए आप अपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक करने के लिए परमिशन आपको ग्रांट हो जाती है तो आपको फिर भी एरर आता है, तो उस एरर को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम एमआई फ्लैश अनलॉक ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको सेटअप को ओपन करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने एमआई अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। मैं अपने एम आई अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एमआई की तरफ से बूट लोडर अनलॉक करने की परमिशन मिल चुकी है। तो मैं फ़ोन अटैच करूँगा, यहाँ पे लिखा है नाउ कनेक्ट द फ़ोन, टर्न ऑफ द वॉल्यूम डाउन बटन प्लस पावर बटन। तो इससे करने से आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में एंटर हो जाएगा, तो मैंने पहले से फास्ट बूट में एंटर कर रखा है, तो इसमें फ़ोन को अटैच करूँगा। तो ये देखिए मैंने फ़ोन को अटैच किया और मेरा फ़ोन यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ। जैसे ही मैंने अनलॉक पे क्लिक किया तो मुझे ये डाटा डिलीट करने की वार्निंग दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अलाउ एनीवे करूँगा। तो यह मैंने अलाउ एनीवे किया तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा। ये देखिए मेरे पास एक ये एरर आ चुका है, करंट अकाउंट इज़ नॉट बाउंड टू दिस डिवाइस एंड योर अकाउंट इज़ एम आई सेटिंग डेवलपर ऑप्शन एम आई अनलॉक स्टेटस अनलॉक अगेन। तो ये एरर काफ़ी लोगों को फेस हो रहा होगा, मुझे भी एरर ये आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे कि मुझे आज ही परमिशन मिली है और दो घंटे जैसे मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, दो घंटे बाद मुझे ग्रांट मिल चुकी थी एमआई की तरफ से, और मैंने जैसे ही मुझे परमिशन मिली है तो मैं इसको अनलॉक करने के प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था। पर ये इसके लिए ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एमआई के सर्वर पर जो मैंने ईमेल आईडी से अभी मैंने लॉगिन किया, वो मेरी ईमेल आईडी अभी उसके सर्वर पर अपडेट नहीं हुई, इसके कारण आपको ये एरर आ रहा है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको दो या तीन दिन के लिए वेट करना है, अपनी जो एमआई अकाउंट है उसको अपने फ़ोन में लॉगिन रखना है दो या तीन दिन के लिए। उसके बाद आप दो या तीन दिन से बाद ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई एरर नहीं आएगा, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।